चीन द्वारा गुप्त रूप से उत्तरी कोरिया की मदद करने के कारण लेने के देने पड़ गए हैं। अमेरिका ने चीन के प्रति अपना रुख बेहद सख्त कर लिया है। अमेरिका के अनुसार हनोई में ट्रंप और किम जोंग की वार्ता विफल होने के पीछे भी चीन कहीं ना कहीं साजिश कर रहा है। वैसे भी अमेरिका और चीन के बीच जब से ट्रेड वार शुरू हुआ है, दोनों देशों के संबंध इस दशक के सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। हनोई वार्ता विफल होने के बाद अमेरिका ने उत्तरी कोरिया पर कड़ा एक्शन लेते हुए नए प्रतिबंध लगाए हैं। खास बात यह है कि इन प्रतिबंधों के दायरे में केवल उत्तर कोरिया ही नहीं बल्कि चीन की दो कंपनियां भी हैं। इन दोनों कंपनियों पर गुप्त रूप से उत्तर कोरिया को सहायता पहुंचाने का आरोप है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका द्वारा प्रतिबंध लगाने के बावजूद चीनी कंपनियों ने उत्तर कोरिया की मदद की। अमेरिका द्वारा किम जोंग के प्रति सख्त रुख अपनाने से कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव बढ़ने की आशंकाएं तेज हो गई है। अमेरिका द्वारा उत्तर कोरिया पर प्रतिबंध लगाने के पीछे किम जोंग द्वारा परमाणु कार्यक्रम को चालू रखना है। हनोई वार्ता और उससे पहले वर्ष 2018 में हुई सिंगापुर वार्ता के दौरान इस बात का खुलासा अमेरिकी सैटेलाइट के माध्यम से हुआ था कि किम जोंग अपना परमाणु कार्यक्रम लगातार जारी रखे हुए है, जिसमें चीन भी अपनी कुछ कंपनियों के द्वारा किम जोंग को सहायता उपलब्ध करा रहा है। ट्रंप प्रशासन ने चीन को भी अल्टीमेटम दे दिया है कि अब केवल उत्तर कोरिया ही नहीं, चीन भी उसके निशाने पर है। चीन की कंपनी, चाहे वह शिपिंग इंडस्ट्री से जुड़ी हो या फिर फाइनेंस से, अमेरिका उन सभी पर प्रतिबंध लगाने से गुरेज नहीं करेगा। ट्रंप के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने भी साफ साफ कह दिया है कि किसी भी देश को उत्तर कोरिया की मदद नहीं करने दी जाएगी, चाहे वह चीन हो या फिर अन्य कोई देश।